हे गाइस नमस्ते, मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का नरसिंह बिहार में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नसबंदी करने का सबसे सही और सुरक्षित तरीका के बारे में। चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सी नसबंदी है, आपको कौन सा तरीका जो है आपको अपनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा इंडिया है, हमारे यहाँ जो है तीन तरह से नसबंदी की जाती है, ठीक है। पहला नसबंदी है पारंपरिक नसबंदी, ठीक है, और दूसरा होता है मिनी लैम्प, और तीसरा होता है लेप्रोस्कोपी, ठीक है, यानी कि दूरबीन के द्वारा किया जाने वाला जो है नसबंदी, ठीक है। तो ये तीन तरह की, इन तीनों तरीकों के बारे में मैं पूरी डिटेल से बताने वाली हूँ, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा तरीका जो है आपके लिए सही है। तो सबसे पहली बात मैं पहला तरीका के बारे में बताना चाहूंगी, जो है पारंपरिक तरीका, ठीक है। तो अगर आप गर्भवती हैं, ठीक है, अगर आपने लास्ट बेबी अभी है, ठीक है, और अगर उसकी डिलीवरी होती है, अगर आप कोई भी हॉस्पिटल चूज करते हो कि आपको डिलीवरी करवानी है, ठीक है, तो उससे पहले आप डॉक्टर से ये बातें कर सकते हो कि अगर जो है आप नसबंदी कराना चाहते हैं, स्थायी प्लान करवाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जो पहले ही ये सारी बातें डिस्कस कर सकते हो कि हाँ मुझे जो है जिस टाइम पे आपका बेबी होगा, ठीक है, लास्ट बेबी जब आप करवा रहे हो, जिस टाइम पे आपका बेबी होगा उस टाइम पे ही आप जो है ये नसबंदी जो है करवा सकते हो, ये जो है। या फिर आपका जो अगर सिजेरियन है, अगर मान लो कि अपने हॉस्पिटल में गया, अगर आपकी डिलीवरी जो है वो सिजेरियन हुई, ठीक है, तो डॉक्टर से अगर आप पहले बात कर लोगे तो उसी टाइम पे एट अ टाइम पे जो है डॉक्टर साहब की जो है नसबंदी भी कर देंगे साथ में, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका जो है टाइम बच जाएगा, आपको दोबारा अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लास्ट बेबी के टाइम में ही जो है आपका उसी टाइम में आपको हो जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा आपको जो है ना टाइम देना पड़ेगा, ना एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं, आपको उसी समय पर हो जाएगा, ठीक है। तो एक उपाय तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप उस टाइम पर नहीं करवा रहे तो आप बाद में भी इसे करवा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो गया है तो उसके 72 घंटे के अंदर भी जो है डॉक्टर्स इसका प्लान करते हैं। लेकिन अगर आपको ये करवाना है महिला नसबंदी, ठीक है, और अगर आप गर्भवती है, अब इस बारे में आप सोच रही हैं, प्लान कर रही हैं, तो आपको डॉक्टर से पहले ही बात करनी होगी, ठीक है। तो जो है आप इस नसबंदी को करवा सकते हैं, इसमें जो है आपका जो टाइमिंग है वो ज़्यादा नहीं लगता है, आपको जो है मुश्किल से 5 से 6 दिन या फिर 8 दिन जो है आपको रेस्ट करना होता है, हॉस्पिटल में रहना होता है, ठीक है, इसके बाद आप घर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नसबंदी के दूसरे तरीकों के बारे में, जिसे हम कहते हैं मिनी लैप तरीका। इसको करने में जो है कम से कम आपका 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है, और साथ ही आपको जो है 24 आवर के अंदर ही हॉस्पिटल से आप घर जा सकते हैं। इसमें जो है बहुत ही छोटा सा चीरा लगा करके जो है आपकी जो नसबंदी है उसको कम्प्लीट कर दिया जाता है। ये जो है शिशु के जन्म के बाद भी आप करवा सकते हैं, या फिर बाद में भी आप जो है टाइम निकाल के करवा सकते हैं। तो चलिए हम तीसरे नसबंदी के तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है आपका जो समय है वो आपको 5 से लेकर 10 मिनट तक लग सकता है, साथ ही जो है आपको हॉस्पिटल में जो रहने का आपका टाइमिंग है वो जो है इससे कम हो जाता है। इसमें जो है आप लगभग जो है 6 से लेकर 8 घंटे तक ही आपको रखा जाता है, और आपको बहुत जल्दी जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा चीरे या टाँके नहीं लगते हैं, बहुत ही कम छोटे छोटे 2-3 टाँके लगते हैं, ठीक है। वह इस टाँके का कोई जो है आपको दाग नहीं रहता है, आप जो है बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने अभी आपको बताया तीन तरीकों के बारे में कि आप किन किन तरीकों से जो है अपनी नसबंदी कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी आपको पसंद हो, जो सुविधा हो, आप वो नसबंदी करवा सकते हैं। सारे नसबंदी जो है सुरक्षित होते हैं, आप इससे बिल्कुल भी ना डरें, सारे सुरक्षित होते हैं। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से बात कर लें, इसके बाद जो है इस नसबंदी की प्रक्रिया को स्टार्ट करें, तो इससे जो है आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, और आप जो रिकवर हुई है जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वो क्लियर रहेगा इन चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता रहेंगी। इसके लिए जो है आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूँगी। अगर जवाब नहीं दे पाती हूँ तो मैं उस पर ज़रूर जो है एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।